हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा रेट्रो आरजीबी इफेक्ट। ये जो इफेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करेंगे हम विदाउट किसी प्लगइन के साथ। सो अगर आपके पास प्लगइन है या फिर नहीं है तो आज के बाद आप इजीली अपनी वीडियो में रेट्रो आरजीबी इफेक्ट क्रिएट करना सीख जाएंगे। सो इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से कि किस तरह से कौन सा स्टेप मैं करता हूँ अप्लाई। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारा जो 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसे अचीव करने में करें हेल्प। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपको एडिटिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा 100% जितनी मैं हेल्प आपकी कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं आरजीबी रेट्रो इफेक्ट। सो गाइज, ये है हमारी फुटेज जिस पे आज हम अप्लाई करना सीखेंगे आरजीबी रेट्रो इफेक्ट मैनुअली। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम किसी भी टाइप की प्लगइन यूज नहीं करेंगे। जिस वीडियो को आप यूज करेंगे उसकी क्रिएट करेंगे आप सबसे पहले 3-layer डुप्लीकेट कॉपीज लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। आप प्रेस करेंगे ऑल्ट को और ड्रैग कर देंगे अपनी लेयर को अपर लेयर पे। सो आपकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगी। सो डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करने के बाद अब इन लेयर्स को करेंगे रीनेम। सबसे पहले आप जाएंगे V3 लेयर पे और इसे करेंगे रीनेम रेड कलर में। सो इसे अब हम करते हैं रीनेम RED रेड कलर। सो रेड कलर लिखने के बाद आप इसे कर देंगे ओके। और इसी तरह से आप इस लेयर को और इस लेयर को भी करेंगे रीनेम। इसे हम करेंगे ग्रीन कलर में और इसे हम करेंगे ब्लू कलर में रीनेम। सो करते हैं फटाफट से रीनेम। सो ये हो चुकी है हमारी ग्रीन लेयर और इसे अब हम कर देंगे ओके। सो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है ग्रीन कलर की लेयर और ये है हमारी रेड कलर की लेयर। सो लास्ट जो हमारी मेन लेयर है इस पे इसे हम करेंगे ब्लू कलर में रीनेम। सो ब्लू कलर में रीनेम करने के बाद इसे भी आप कर देंगे ओके। सो इन तीन लेयर्स को रीनेम करने के बाद अब हम जाएंगे इफेक्ट्स पैनल में और यहां पर हम टाइप करेंगे कलर आरजीबी। आप टाइप करेंगे कलर और नीचे आपको मिल जाएगा कलर आरजीबी। ये आप कलर आरजीबी देख सकते हैं, इसे आप अप्लाई कर देंगे तीनों लेयर पे। इन तीनों लेयर पे हम अप्लाई करेंगे कलर बैलेंस आरजीबी। सो अप्लाई करने के बाद अब हम जाएंगे रेड कलर लेयर में और इसके हम जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में। यहां पर आपको कुछ दिख रही होगी सेटिंग। सबसे पहले आप जाएंगे ग्रीन में और इसे आप कर देंगे जीरो और उसके बाद आप जाएंगे ब्लू में और इसे भी आप कर देंगे जीरो। इन दोनों को जीरो करने के बाद अब आप जाएंगे ग्रीन कलर में। सो ग्रीन कलर की भी आप सेटिंग कर देंगे यहां पे 100 और ये जो ब्लू कलर है इसे आप कर देंगे जीरो और इसे रेड को भी कर देंगे आप जीरो। जो आपकी ग्रीन कलर की लेयर होगी उसमें सिर्फ आपका ग्रीन कलर 100 होगा, बाकी दोनों कलर होंगे आपके 0 0। और इसी तरह से आप जाएंगे ब्लू में और यहां पर आप रेड को कर देंगे जीरो, ग्रीन को भी कर देंगे जीरो और सिर्फ ब्लू कलर को आप करेंगे 100। सो ये करने के बाद अब आप फिर से जाएंगे रेड कलर लेयर में, यहां पर आपको मिलेगा ब्लेंड मोड और इसे आप चेंज कर देंगे लीनियर डॉज में। लीनियर डॉज पे आप कर देंगे क्लिक और इसी तरह से आप इन दोनों लेयर पे भी अप्लाई करेंगे लीनियर डॉज। सो ब्लेंड मोड को लीनियर डॉज में कन्वर्ट करने के बाद अब हम जाएंगे दोबारा से इफेक्ट्स में और यहां पर अब हम टाइप करेंगे लेंस डिस्ट्रैक्शन। लेंस डिस्ट्रैक्शन को आप सिर्फ अप्लाई करेंगे रेड कलर लेयर में। सो अप्लाई करने के बाद आप आएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में और यहां पर आपको मिलेगी लेंस डिस्ट्रैक्शन की कुछ सेटिंग। आप जाएंगे सिर्फ कर्वेटर में और यहां पर आप इसे कर देंगे -5। सो -5 करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी वीडियो में एक रेड कलर का आरजीबी इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियो में आरजीबी इफेक्ट। और अगर आप चाहते हैं इस आरजीबी इफेक्ट में थोड़ा सा क्रिएट हो एनिमेशन, सो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आप यहां पर जाएंगे कर्वेटर में और यहां पर आप इस और यहां पर आप अप्लाई कर देंगे की फ्रेम्स। सो की फ्रेम्स अप्लाई करने के बाद आप जाएंगे 1x1 नेक्स्ट फ्रेम पर
और यहाँ पर आप कर देंगे इसे ज़ीरो। अगेन आप जाएंगे नेक्स्ट फ्रेम पे और यहाँ पर आप इसे कर देंगे माइनस फाइव। अगेन नेक्स्ट फ्रेम और यहाँ पर आप इसे करेंगे ज़ीरो। थोड़ा सा आप एनिमेशन क्रिएट करने के बाद इसे कॉपी करके आगे अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियो में। सो अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ कि हमारा जो एनिमेशन हमने क्रिएट किया है आरजीबी में वो देखने में लग रहा है कैसे। सो अगर आप देखेंगे तो आपका आरजीबी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। और इसी तरह से आप अपनी वीडियो में मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं रेट्रो आरजीबी इफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाली हैं और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जो सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।